बैक माय यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग। मैं जब तक चली जाऊंगी तो आज है हमारे छत्तीसगढ़ में छेरछेरा। छत्तीसगढ़ के कल्चर में छेरछेरा मनाया जाता है। छेरछेरा क्यों मनाते हैं मम्मी? छेरछेरा से धन का आदान प्रदान होता है। हाँ, धन आता है, धन जाता है। तक पता है ना, धान बिकने के बाद किसान लोग अपना जो फसल रहता है ना धान, उसको बेचते हैं। उसके बाद ये फेस्टिवल आता है, फिर सब एक दूसरे को मतलब दान दक्षिणा करते हैं। ऐसा ऐसा कुछ सीन रहता है इसका। तो मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, सबले बढ़िया हूँ, तो हैप्पी छेरछेरा। और इसको इसको काजू बादाम खाने का दान प्रदान होता है। मुझे भी दे दो, मांगूंगी तो नहीं देगी, बहुत गंदी है ये, पुच्ची दे देती है ना बेटू। यहाँ पे मेरी मम्मी खाना बना के आराम से बैठ के मोबाइल चला रही है। क्या देख रहे हो? खाना खाए, खाया मखाना से फैट कम होता है, ज़्यादा पर मैं तो खाती हूँ होता। और आज का मौसम आज भी वैसे है, हमारे घर में हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़ आता है, इधर से आवाज़, उधर से आवाज़, सब तरफ से आवाज़। इसका मौसम आज भी बदली है और मुझे क्या करूँ, आज बादल हुआ छाया। पर इंटरेस्टिंग बात, मैं अपने ब्लॉग एडिट नहीं की हूँ, आगे घंटे में मुझे मेरा ब्लॉग एडिट करना है। फिर मैं अपने घर से निकल गई थी क्लास के लिए। और आज बहुत ज़्यादा ठंड था और फॉग भी था। ये दिख तो नहीं रहा था पर फॉग तो था, ऐसे दूर से देखो तो फॉग दिख रहा था। आओ चलो, मैं आप लोगों को राम मंदिर, हनुमान मंदिर का दर्शन करा देती हूँ। ये जो दिख रहा है ना, वो हनुमान जी का मंदिर है। मैं आज तक कभी गई तो नहीं हूँ पर यहीं से दर्शन करके चली जाती हूँ मैं। और आज है छेरछेरा, तो सब बच्चे छेरछेरा मांगने के लिए निकल पड़े थे। और हमारे सिटी में तो उतना कुछ होता नहीं है छेरछेरा का, पर फिर भी बच्चे शौक से जाते हैं। असली छेरछेरा तो गांव में सेलिब्रेट करते। क्या ही मज़ेदार सेलिब्रेशन होता है छेरछेरा का। गांव में हर एक फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता है। तो आज ऑफिस में कोई भी नहीं है और मैं आ गई हूँ। और मैं आज खाऊंगी सांभर, बड़ा बड़ा लाई हूँ मैं, वो खाऊंगी। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ एनर्जी लाने के लिए। तो गाइस, मैं घर पहुँच गई हूँ और आज तो छेरछेरा। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी छेरछेरा। छत्तीसगढ़िया लोगों का त्यौहार होता है ना मम्मी, ये छेरछेरा। तो फिर स्पेशल डिश बनता है। कल है रिपब्लिक डे, तो हमको तो छुट्टी मिला है, आपको पता है मैंने छुट्टी मांगा है। तूने मांगा है या नहीं बता नहीं रहे थे, मैंने पूछा है बस। वैसे था हॉलीडे होता है मम्मी, वो हॉलीडे में तो मिलता ही है हमको। तो चलो कल मस्त सोऊंगी मैं, दिन भर बढ़िया आराम से चैन से एकदम सोने का छुट्टी है। मैं कल सोऊंगी बहुत ज़्यादा वाला मम्मी। और क्या सब्जी सोने का, क्या सब्जी बनाया? मैं चटनी बना रही हूँ। बना रहे हो? आते ही इसका मुंह क्यों खुल जाता है मम्मी? ये मुझे देख के क्या चाहती? दर्पण दिखा दिया करो ना मम्मी, क्या दिक्कत है? तो ये थोड़ा सा उसको भी तो अपने मन का करने दिया करो, जैसे आप अपने मन का करते हो। दिखाऊंगी, मेरी बेटी है, छोटी सी उल्लू है मेरी बेटी है। उकू टूटू टू, मेरा बच्चा है, मेरे को काटती है फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती ना। मेरा हाथ ठंडा है बेटा, आपको ठंडा लग जाएगा। चलो मैं दिखा देती हूँ, चलो। मीठी का ब्रश कौन ले गया मम्मी? कौन चोरी किया मम्मी? मीठी का मैचिंग ब्रश कौन ले गया? कहाँ गया आपका ब्रश? बताओ ना, मुक्कू में टमाटर लगा है, उसको पोछ लो, पोछ लो जल्दी से मुक्कू का टमाटर। हाँ क्या? हाँ हाँ, कल तो मैं घर में आऊँगी, क्यों को लेंगे घूम लेंगे। मेरे बेटो के मुक्कू में टमाटर लगे, इसको निकालो ना बेटो। नहीं, आप मोबाइल को ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते, मेरा रोजी रोटी है ये, मारूंगी आपको, इतना मारूंगी बस। चलो आपको मैं दर्पण दिखा देती हूँ मिट्टी।
नहीं यार, ये देखो मेरा छोटा सा भाई बेटा रोहन भैया आया। ये हमारी आराध्या है। दादू आप भी अपना शक्ल दिखाओ इधर। हमारे दादू बाबू आया है। और आप लोगों के घर में क्या क्या सब्जी बना है बताओ? अभी हमारा घर नहीं बना। और आपके यहाँ क्या सब्जी बना है? ए, मच्छी अपना नहीं है दादू। आपके यहाँ क्या सब्जी बना है? राम भगवान बने थे क्या आप? हाँ, हमारे दुकान में पतला राम भगवान सब। हिंदी में बोलो ना यार, बोल दो ना यार। क्यों बोलो भैया? मैं तो बोल ही रही हूँ यार, आप भी बोल दो। मैं राम भगवान बना था करके। निकल गया है तो चलो खाते हैं। आपका निकला भाई, मेरा थोड़ी निकला है। आप भी निकालो भाई, इतना इतना सारा बर्तन है हमारे। निकालते तुरंत निकालो तो आज खाने में। तेरी बेटी बुला रही है। मैं दे चुकी हूँ उसको। हम तो चल ना बैठना, चल ना, चल तेरे साथ खाऊ अपने अलग से। इसमें खाऊ? नहीं इसमें नहीं। चल तो आ रही हूँ। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और कल का सारा सामान मैं यहीं छोड़ के चली गई थी। कपड़ा भी नहीं फोल्ड कर पाई थी और सारा सामान मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। चलो फिर एडिटिंग करती हूँ, और वो भी करना है। कैट का भी काम, मेरा काम हो नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। तो सब कुछ को मैनेज करना आसान नहीं है, पर मैं कर लेती हूँ। फिर भी एक आध दिन कुछ कुछ छूट जाता है, या फिर प्रैक्टिस कर छूट जाता है, पर स्किप हो ही जाता है मुझसे। चलो फिर कोशिश करते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं किसी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपना सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो फिर कल मिलते हैं गाइस। बाय बाय।